थैंक यू दादा साहब फाल्के अवार्ड वालों को। मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, खासकर जो मार्केटिंग और नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं उनका। मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ श्रवण कुमार राठौर, बी सिविल। मैंने 35 साल शासकीय अधिकारी गवर्नमेंट जॉब में किया। मैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी रह के मैंने पानी के दर्द तकलीफ को समझा। नगर निगम रायपुर में मैं जोन कमिश्नर के रूप में रहा, तब मैंने देखा और उस तकलीफ और दर्द को देख के ही मैंने फिल्म बनाने की प्रोग्राम बनाया। मेरा सोच है कि जो भी हम फिल्म बनाए उसमें एक सोशल मैसेज जाना चाहिए। हर आदमी का एक ढंग या तरीका होना चाहिए कि उसका स्क्रिप्ट, उसका प्रोफेशन, उसका को प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका फंड्स है, उसमें सब में एक रूपता होनी चाहिए। फंड्स के अनुसार हम काम करें तो बेहतर होता है। मेरे फिल्म के बारे में, फंड्स के बारे में बात करेंगे तो जो मैंने फंड्स सोचा था, मेरा इन्वेस्टमेंट उससे कहीं ज़्यादा हो गया। प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात करें तो जो मैंने अनुभव किया 35 साल के अपने उसमें, तो मैं अपने जोन कमिश्नर के पद में इस्तीफा देकर, रिजाइन करके यह फिल्म बनाई। इसका स्टोरी मैंने देखा कि जो बाढ़ की पानी है बड़ी स्पीड से आती है, जन धन सबको डुबाते हुए चली जाती है, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर पाते। मैंने देखा कि एक घंटा नलों में पानी आती है और घर की लेडीज गृहिणी हमारी माता बहने उनको बाल्टी में मटके में भर के शेष 11 घंटे यूज करती हैं, और हम 3 से 4 महीने बाढ़ और बरसात होती है उसको मैनेज करके, गांव में तालाब बनाकर कुएं बनाकर रखे तो हमको गर्मी में बाकी 6-7 महीने जो बचा है ना उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो गृहिणी ज्यादा अच्छा है, 1 घंटे के पानी को 11 घंटे यूज करती है, हम 3 से 4 घंटे को बाढ़ और बरसात के पानी को 7-8 महीने यूज नहीं कर सकते। इसी कहानी पे ही मैंने खुद, मैं उसका कहानी लिखा हूँ, मैं राइटर खुद हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। मेरा मैसेज यही है कि आपकी कहानी पे, आपके डायरेक्शन पे लोगों तक वो बात जाना चाहिए। ऑडियंस, ऑडियंस तो मेरा हर पानी का उपयोग करने वाला आदमी, आम पब्लिक मेरा ऑडियंस है, पानी बचाने वाला मेरा ऑडियंस है, पूरा विश्व मेरा ऑडियंस है, गवर्नमेंट मेरा ऑडियंस है। और रही बात, मैंने पहले ही बोला इन्वेस्टमेंट, बजट मेरा 2 करोड़ का था, मैंने अपनी जमीन, पैतृक जमीन बेच के मैंने बनाई, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात हो गया तो कहीं ज्यादा हो जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो आप चाहते हैं उससे कहीं से कुछ हो जाता है। मैं फिल्म में यही चाहता हूँ कि हर पब्लिक देखे और पानी बचाना सीखे, क्योंकि मैंने फ्लड के पानी को बचाने के लिए बोला और 500 साल बाद यही जब करेंसी हो जाएगी तब आप करेंगे। रही बात बिजनेस कैसा करूँगा, रिटर्न क्या होगा, बिजनेस जैसा भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, नेटवर्किंग हो, सारे सिस्टम से मेरा फिल्म चले, ऑडियंस देखे, मुझे इसमें पैसा कमाना नहीं है, मेरा मूलधन ही आ जाए, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, तो ऐसे में जैसे मैसेज वाले फिल्म आगे मैं बनाना चाहता हूँ, जिसमें सफाई का भी हो, नदियों का भी, समुद्रों का भी काम हो, यही मेरा डिस्ट्रीब्यूशन आइडिया है। रही बात लोग मेरे साथ जो कोलैबोरेटर्स हैं और जो मेरे प्रोजेक्ट समझते हैं वो, उनके मोस्ट वेलकम है, वो आए मेरे साथ जुड़े। तो और मैं ये चाहता हूँ कि कुल मिलाकर मेरा मेल एड्रेस और फोन नंबर इसमें दिया हुआ है और उसके अनुसार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खासकर मैं दास साहब वालके वाल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, फिल्म मार्केटिंग वाले को, नेटवर्किंग वाले सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।